जो लोग ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है, पर अपने दावों पर जो है वो खड़ा नहीं उतर रही, वही अगर पंजाब के सीएम की बात करें भगवंत मान जी को यहाँ पर एक करारी फटकार लगाते हुए ये भी कहा जा रहा था, फ्री फ्री का नारा तो दिया था, फ्री फ्री पे वोट तो ले लिए बट फ्री फ्री में बिजली नहीं मिली। वही बता दें पंजाब को जो है वो 1 जुलाई से 300 यूनिट जो है वो फ्री बिजली मिलने जा रही है। पंजाब के लोग तो खुश हैं, लेकिन जम्मू में भी जो है वो आग की लहर बहुत छाई हुई है। क्या आप जम्मू के लोगों को जो है वो फ्री बिजली या फ्री पानी मिलेगा? और उसी के साथ अगर बात करते हैं, यहाँ पर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि फ्री फ्री के नाम पर जो है जम्मू कश्मीर को श्रीलंका भी बनाया जा रहा है। तो सेवा सिंह बाली जी हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। क्या आम आदमी पार्टी की सिर्फ जो लहर है पंजाब में, उसके बाद जो जम्मू आई है, आपको क्या लगता है जिस तरह से वहां पर जो है वो फ्री बिजली मिली है, तो क्या आपको लगता है कि जम्मू में जो है वो फ्री बिजली मिलेगी? अगर पंजाब में मिल सकती है, दिल्ली में मिल सकती है, तो जम्मू कश्मीर में तो बिजली पैदा होती है। जम्मू कश्मीर के अंदर 45,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, उसके बाद हमारी बिजली को बाहर महंगे दामों पर बेचा जाता है और हमारे यहाँ के लोगों को वापस बिजली खरीदनी पड़ती है। और हमारे जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, उनको 500-500, 1000-1000 रुपया महीने का बिजली का बिल और काफ़ी कम बिजली उनको दी जाती है, और उसके बाद भी कई कई 1000 रुपये के बिल लोगों को दिए हैं और वो लोग जो हैं वो परेशान हैं। आज अगर जम्मू कश्मीर की पिछली सरकारों ने जम्मू कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के भलाई के लिए सुध ली होती, कुछ काम किया होता, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली का भंडार ऑलरेडी है और इसको बहुत ज़्यादा आगे तक हम ले सकते थे। आज तक इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब जब आम आदमी पार्टी एक गरीब आवाम को बिजली का जो 200-300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम कर रही है, तो यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज्यादा परेशानी क्यों आ रही है? मेरा सवाल भी यही रहेगा कि जब भी आम आदमी पार्टी की बात आती है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राणा जी, वो कहते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये आपकी पार्टी की। चलो वो तो उनकी सोच है, वो क्योंकि कुर्सी पर बैठ के, जब कुर्सी पर कोई भी बैठा होता है, मैं भी दिल्ली में एक वक्त बैठा था तो एक नेशनल चैनल वालों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेज दीजिए। ये तो ख्वाब लेना हर एक का अधिकार है, क्योंकि हम एक खूबसूरत मुल्क के बाशिंदे हैं, यहाँ पर हम सबको जमहूरी हकूक है। बाकी जम्मू कश्मीर की जनता ने फैसला कर दिया है किसको चक्कर में डालना है, किसको बैठाना है, ये जनता ही फैसला करती है। जनता ये भी कहते हैं कि ये श्रीलंका बनाने आए हैं फ्री फ्री के चक्कर में, श्रीलंका जैसे हालात फ्री। अगर मेंबर पार्लियामेंट को ये बिजली फ्री दे सकते हैं, उसका खाना, उसका रहना, उसको मोबाइल का खर्चा फ्री दे सकते हैं, अगर आम आदमी पार्टी एक आम आदमी को कुछ सुविधा देती है तो इनको परेशानी क्यों आती है? एक मेंबर पार्लियामेंट के कैंटीन में 20 रुपए का खाना जो उसको दिया जाता है, वही खाना एक आम आदमी 250 रुपए में खाता है, तो उस पर इनके ये क्यों नहीं बोलते हैं? मेंबर पार्लियामेंट को रहने के लिए हर एक चीज दी जाती है, अगर एक आम आदमी को कुछ देने की बात या दे रही है आम आदमी पार्टी, तो इसमें इनको परेशानी किसकी है? ये डेली वेजर्स की बात क्यों नहीं करते? ये SPO की बात क्यों नहीं करते? ये हमारे NHM एम्प्लॉयज, इन्हीं के प्रदेश के प्रधानमंत्री साहब ने यह कहा था कि जो NHM एम्प्लॉयज हैं ये कोरोना वॉरियर्स हैं, थाली बजाइए, दिया जलाइए। आज वही कोरोना वॉरियर्स जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों के बाहर सड़कों पर हैं। जनाब रैना साहब, उन्दे पाक उन्दे कोल भी नजर मारो, तुसी एक गल आख दे कि वहां बैठे दा चिंता नहीं करनी, चिंता सानू नहीं है, चिंता तो तुहानू हो ही दी लगभग, मगर तुसी उन लोगों की चिंता करो जेड़े जिंदे जिन्हें तुहानू 25 सीटा दिती ही। पंजाब बाहर तो तुसी जा रहे हो, मगर लोग तुहानू मेरे साहब ने लखनपुर पार जाने वास्ते, पार करने वास्ते पूरी तैयारी कर चुके थे जम्मू कश्मीर के लोग। कहते कि बिजली पानी फ्री आज किया, जब हम स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, जब बच्चा जिसका होगा वो उसको पढ़ाएगा ना, अब अगर हमसे कोई सीखेगा तो ये हमारी उपलब्धि है। एक देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले लोग आज आम आदमी पार्टी से सीख के अगर बयान देने लग गए, तो इससे बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी के लिए क्या हो सकती है, आप यह अंदाजा लगा सकते हैं।
यहाँ पर वो लोग ये भी कहते हैं कि उनकी पार्टी में जो है वो लीडरशिप की कमी है, उनके पास जो है वो लीडर्स नहीं। जो जिससे आप बयान ले रहे हैं, अगर लीडरशिप की बात करना चाहिए, किसी भी बीजेपी को लीडर को ले आइए आप किसी भी डेबिट में, उनके लिए सेवा सिंह बाली ही काफी है। अगर मेरे बयान का वो जवाब दे दे तो मैं आपके स्टूडियो में भी उनके उनसे माफी मांगूंगा। इन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर सड़कों पर हैं, उनके बच्चे बगैर फीस के स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। हमारे एसपीओ भाई शहादत दे रहे हैं, हमारे एनएचएम एम्प्लॉयज सड़कों पर हैं, 90% छोटे तबके के एम्प्लॉयज सड़कों पर अगर हैं तो ये किसकी 50 पार का ख्वाब कहां से ले रहे हैं? अगर जनता ही इनको उखाड़ के फेंक देगी तो सीट देने वाला कौन होता है? 50 का सपना तो है, उसके साथ साथ भाजपा के सीएम का सपना है जो कहते हैं बहुत जल्द पूरा। वो तो मैंने भी बोला था मुझे एलजी बना दो, बना दिया आप लोगों ने। बोलने मैं पहले बोल दिया ना कि जम्मू कश्मीर पूरा हमारा हिंदुस्तान में यही तो खूबसूरती, हर एक को जमहूरी अधिकार है। आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको जमहूरी अधिकार है, आप अपनी बात कह सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि अब आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी इस जमहूरी अधिकार का इस्तेमाल करके कुछ भी बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी की कोई भी कार्यकर्ता कोई भी लीडर वही बोलता है जो हमारे पार्टी की लीडरशिप ने करके दिखाया है, वो भी राजधानी के अंदर। जम्मू कश्मीर की बात छोड़ दीजिए बाली साहब, एक फिल्टर की बात होती है आम आदमी पार्टी में, हम भी उस फिल्टर के बारे में जानना चाहेंगे, खुल के कोई नहीं बता पा रहा है। ऐसा कौन सा फिल्टर है जो लोग अन्य पार्टी से जो है वो जा रहे हैं और आपके फिल्टर में सेट बैठे? कोई नहीं आया हमारी पार्टी में, जो भी आया उनका अच्छा कद है, जो भी आता है हर एक पार्टी में, एक हर एक पार्टी का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, तरीका होता है। अगर घर में हमारे को हमारे में वैसे भी कहा जाता है, अगर घर में दुश्मन भी आ जाए तो उसका भी स्वागत किया जाता है। आम आदमी पार्टी के लिए सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। अलबत्ता जो लीडर हमारे पार्टी में अभी तक आए हैं उनकी छवि जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर अच्छी है, कोई भी ऐसा लीडर यहाँ पर नहीं आया है जिसकी छवि खराब हो, ये हम दावे से कह सकते हैं। बाकी ये लोग जो ख्वाब देख रहे हैं कुछ लोग बैठ के अपने घरों में कि हम आम आदमी पार्टी में जाएंगे मैंडेट लेके आएंगे, वो आपको हम आज भी बोल रहे हैं कल भी बोलेंगे, जो भी मैंडेट होगा, जो भी कैंडिडेट होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो जनता के बीच में से होगा और जनता तय करेगी, वही मैंडेट होगा। यहाँ पर अटैची सिस्टम आम आदमी पार्टी में न चला है, न चलेगा, न चलने देंगे हम यहाँ के जो आम कार्यकर्ता है यहाँ पर। अगर आपके ही लीडर्स आपकी पार्टी की छवि खराब करने की हिम्मत करते हैं तो आप उन लीडर्स के साथ क्या करेंगे? कार्यकर्ताओं की बात भी कर लेते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जो छवि खराब करेगा, मैं अगर छलांग लगाऊंगा तो टांग मेरी टूटेगी, दूसरे की नहीं टूटती, जो करेगा वो भरेगा। ये बड़ी पुरानी बातें हो चुकी, अब लोग इतने बेवकूफ नहीं है। एक परिवार में एक छोटी सी फैमिली होती है, एक बाप के चार बेटे होते हैं, चार में से एक बेटा जरूर कोई ना कोई हर रोज कोई ना कोई गलती करता है, इसका मतलब तो ये नहीं कह सकते कि वो उसका बेटा नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा सैलाब है आम आदमी पार्टी में, छोटे मोटे मतभेद छोटे मोटी गलतियां तो किससे नहीं होती। बाकी आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सक्षम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जम्मू कश्मीर के बहुत से डिस्ट्रिक्ट में होके आया, यहाँ 2 साल का बच्चा भी हमें गाड़ी रोक के बोलता है हमें टोपी दे दो मफलर दे दो। मैं कहता हूँ कि मैं अभी आया हूँ, मैं 2 डिस्ट्रिक्ट में गया था, मैंने काफी मटेरियल लिया था, खत्म हो गया, लोग मांगते हैं। बाकी पार्टियों की गाड़ी कहीं जाती है झंडा लगा के उसको गालियां मिलती है, हमें जगह जगह पर रोका जाता है। इसका मतलब यह है कि अब लोगों ने मन बना लिया है। आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों के पास विकल्प के रूप में कोई नहीं दिखता था, इसलिए वो मजबूर होके दोबारा रिपीट उन्हीं पार्टियों को वोट करते। केजरीवाल जी जम्मू का दौरा कितनी जल्दी कर? बहुत जल्दी करेंगे। और ये चीजें जो है आप बताइए, अगर हमारा कोई छोटा मोटा लीडर यहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरता है उसको वेलकम के लिए हम जाते हैं तो पूरा जम्मू कश्मीर में बौखलाहट पैदा हो जाती है। जिस दिन हमारे देश के कमिंग, हम तो अभी दावे से कह सकते हैं कमिंग प्राइम मिनिस्टर जम्मू में जब आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उस दिन जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल होगा
बच्चा होगा जहां पर भाजपा के लीडर वहां पर एडमिट नहीं होंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं। और बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल साहब, भगवत मान साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे और जम्मू की सरजमीन पर वो अपनी गारंटियों के साथ जम्मू कश्मीर के लिए पॉलिसीज का ऐलान करेंगे। ये थे सेवा सिंह बाली जी, जिनसे सवाल किया गया था फ्री बिजली पानी को लेकर। जिस तरह से आपने देखा कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात करें, और लोग ये कह रहे थे फ्री फ्री के चक्कर में लगा रखा था, लेकिन फ्री फ्री तो कुछ नहीं दिया। तो अभी आपने देखा कि 1 जुलाई से जो है वो 300 यूनिट फ्री बिजली जो है वो मिलने जा रही है पंजाब को। तो इसका मतलब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोग्रेस की ओर जो है पंजाब बढ़ रहा है। इसी प्रोग्रेस और तरक्की पर जो है हमारा जम्मू कश्मीर कितनी जल्द आता है ये देखने वाली बात है। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहे जम्मू बुलेटिन। आशा खान से तलाफ।